I, Omar Abdullah, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है, हम उसके खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ लोगों से वोट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं इस लड़ाई में, हमारे और भी दोस्त हैं। इंशाल्लाह उन दोस्तों की तादाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। इसमें और इससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत, आज 20 साल के बाद मैंने लोकसभा के इंतखाबात के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर भरा। यहाँ तक के 10 साल के अरसे के बाद मैंने किसी तरह का भी नॉमिनेशन पेपर भरा हुआ है। इससे पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का क्या हाल है। इससे पहले असेंबली इलेक्शन जो है वो 2014 में हुए थे। लगातार 10 साल से अब जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुए नहीं है, और ये जो आने वाला पार्लियामानी इलेक्शन है इसकी अहमियत इसमें है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन में जो हम मिलके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की सीट पे हम कामयाबी हासिल करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस अगर आई मुसलमानों को स्लॉटर जो है वो आम हो जाएगा अगर कांग्रेस आई। बीजेपी की आदत है, और पता नहीं क्यों इलेक्शन कमीशन के तरफ से उन्हें खुली छूट दी गई है कि इलेक्शन में वो मजहब का इस्तेमाल करें। बाकियों को तो कहा जाता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आप इलेक्शन में मजहब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ना वोट मांगने के लिए ना लोगों को लड़वाने के लिए। लेकिन ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये बीजेपी के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते इसको तहस नहस किया जाता है। आप जो भी देखें बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो बार बार न सिर्फ मजहब का इस्तेमाल करते हैं बल्कि लोगों को अलग अलग जो है उनको तकसीम करने की एक लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे वो मंगलसूत्र के नाम पे, चाहे जमीन के नाम पे, चाहे काउ स्लॉटर के नाम पे, और इस मुल्क में बदकिस्मती से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और उस पार्टी के तहत जिस पार्टी के लीडर इस मुल्क के वजीर आजम वो थकते नहीं थे ये कहते हुए कि वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं। अगर वाकई वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं तो ये जो नफरत फैलाने की बात की जा रही है बिलखसूस 14% आबादी के खिलाफ जो मुसलमान आबादी है, ये अपने आप में एक बहुत अफसोसनाक बात है।